खेन्दवा प्रवचनाम बोधिंदवा साय नहा ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनी शिवंज गुरवाह कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधाचितेतमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं नाभेयादि जिनादिपार्थि भुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसादस्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु ते मंगलं देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्चिदनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाश्चिसुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सृगणाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं ये सर्वौषधिदिद्यासुतपशो वृद्धिङ्गता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशलायोष्टो विदाश्चारणा पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुभुज सज्जनपतेः सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोदयन् शिखरे नीमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरगृहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाख्य तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवलज्ञानवाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविताः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु द्वयस्तीर्थङ्कराणामुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मात् कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टके स्तोत्रम्। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लें, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है ते लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मय जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सं तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते जले नम सेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदग चंदन तंदल पुष्प कही चरस दीप सुधु भुपलार की कही धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यम द्रवपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं प्रीं क्लीं ऐं वरं पं 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 सं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीपसुधु फुलार की कई धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यं द्रवपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण रत चुका है हे नाथ यहाँ अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिदे कर्णराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं पं 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 सं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यं द्रवपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर रस एकांत देता घी से जिन्हें नभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं पं 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 सं तं पं झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहितनाथ पामी दे ओम रीम से जिन दायन मार्ग अंदर पामी ते स्वाहा दूत का कलश पूर्णा सत आंक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीर घट से अब से करके चाहूं प्रभु मैं काम देव तो मांगित प्राप्त कर लूं ओम रीम प्रीम क्लीम है मरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते सिंपते दुग्धा विधेकम करोमि नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मेरे ओम रीम श्री जिन दाय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का चीरो रदे पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से करके थे लोग मंगलमय ने सो के पाऊं ओम रीम श्रीम क्लीम है मरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधी अपने कम करो मी नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार के अंदर पामी ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्व औषधि मेरे सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करु नमन में ओम रीम श्रीम क्लीम है मरम त्रिभुवन पते हे सर्व औषधि अपने कम करो मी नमो रते स्वाहा उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरस दीप सु गुरलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गौण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्नेच के सुचतुष्टियों को ओम राम रीम रूम रोम राशन नमो रते भगवते मंगलोत्तम पंडाय गौण कल जला विधेयकम करो मी नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुपलार की कही धवल मंगल गान भा कुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण प्रचंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जन्म विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम रीम श्रीम क्लीम है मरम बम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करो मी नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार के अंदर पामी ते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमना सुखपदाय पुष्पवृष्टिम करो मी नमो रते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपय पात्र अर्पित ही प्रतिदिन मैदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा अतिगम तो ब्योरोतारियामी इति मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुपलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ महामिजे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार के अंदर पामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मल आगिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर दिलाली ने गंदा मुसे नित करो अपसे के प्रभु का बलि गान में आत्म ज्योति पाऊं ओम रीम श्रीम क्लीम है मरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नफ जामी नमो रते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिनाथ पाम जे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले दीक्षार्थी गण झारी हाथ में ले ले ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति रमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट छिद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राशि अवसर नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मध्य चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका अनुकूल दिव्यांश जैन
श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी जपरवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जैन वीना जैन मनीष जैन रिचा जैन पौत्राक्षत जानवी नंदिनी जैन तीर्थंकर महा विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष जैन साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियन मुंबई श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा श्री जयसे जैन हरिद्वार श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल शब्दपुर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ी औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन साहब लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडलटाउन अनिल जैन दिल्ली विजय जैन राजपुर रोड श्री जिनराज जैन श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जन्मापर जैन समाज सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन लतिका जैन मालती जैन मनोरमा जैन भरत ज्ञानशैली बड़ी मूर्ति दिल्ली सर परिवार से आज जिनका जन्मदिवस है ऐसी सौभाग्यवती सपना जितेंद्र जैन लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश सरपरिवार से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चांदीवाल औरंगाबाद सरपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सरपरिवार से श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान समस्त परिवार सूरत गुजरात श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलका राजा बुल्डाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरव छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंश विक्की जैन खारी बावले दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितैषी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यवस्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनोप देवी जैन मनोज जैन रश्मि जैन सुहाना जैन संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से श्री मनोज जैन नमिता जैन पुत्र वरदान जैन पुत्रियाँ दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका रिद्धि तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्री श्रीमती ओम विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए परितोष सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतुजैन सिविल लाइन्स दिल्ली सर्व परिवार से कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषन समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद श्री आई एल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजु जैन गुड़गांव हरियाणा श्री अंशु जैन पात्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमीला जैन बादशाहपुर उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार जैन शारदा जैन प्रिंसु मृदुल शुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज श्रीमती कमलाबाई जैन धर्मपत्नी श्री अशोक जैन जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर महाराष्ट्र श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन पोस्ट गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवार से
श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ के पुत्र अरियन जैन राशि जैन आशी अरिसा जैन श्रीमती मालती यशवीर पारस जैन बसंत कुंड दिल्ली श्री श्रीमंदर कुमार जैन सनावत स्वास्थ्य हेतु सर्वपरिवार से सर्व भक्तानाम सर्व पूजकानाम समस्त दीक्षार्थी जनानाम सर्व ज्ञानवरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी 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 सर्व युद्ध भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सागर नदी जल भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी संहितादि बंधन भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी वाहन दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी वाहन दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी वास्पदानी विस्फोटक भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पितार मंदिर डाक्टर साकिन्यादि छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानी भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व व्यापार हानि भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व चोर भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेष छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भिक्षम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व मनोव्याधिम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोध ध्यानम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम् छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व आयासः छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व पापम् छिन छिंदी बिन बिंदी 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 ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामाद्ये जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती देवदाती क्षेत्र विसंबत 2550 समय मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथो सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पूरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव स्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुलेकत लिखात प्रणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यकोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान में चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जब लो ऋषभ देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रह जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं त्रिजनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन रसाय दीप धूप फले अर्घ सु लेकर नाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निर्भो रुक मेटो याते मैं पूजू पुर पाए ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं जहाँ जहाँ भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान उन सभी के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम होमोदारी करुणाधारी याते थारी सनारी श्री शांतिनेशम नुतनक्रेशम ब्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियचक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम
ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान जम्बुदी विशल पर विशाल प्रतिमाएं शांतिनाथ कुंदनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाँव बौर तार पूजत पापि हरो। श्री वीर माति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायको। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गानद वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांतागर स्मारक समय शिखर में विराजमान समय शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे द्वितीय तीर्थंकर भगवान आदित्यनाथ के श्री चरणों में एवं बासपुज भगवान के जन्मभूमि चंपावन में विराजमान भगवान बासपुज के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गानन वाकुले जिन ग्रह साधु मामले। ओम ह्रीम चारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जिनका आचार पदारोहण वश चल रहा है ऐसे आचार्य शांत सागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर और जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी चल रहा है ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर अनेकान सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त निगम जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी आज सौ सपना लोहाड़िया सौ सपना जितेंद्र कुमार जी लोहाड़िया खंडवा निवासी मध्य प्रदेश इनका आज जन्मदिन है। हमारी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका नया वर्ष खूब मंगलमयी हो और जिस प्रकार से धर्म की प्रभावना पूज्य माता जी के चरणों में आपकी रुचि है उसी प्रकार से यह श्रद्धा रुचि समर्पण बने रहे इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। हाँ अब आज एक विशेष सूचना के साथ आप सबने जाना है कि अयोध्या में वीर शासन जयंती के दिन 5 आरिका दीक्षाएं और 1 ब्रह्मचारी राजबाला जैन दिल्ली की छुल्लिका दीक्षा ऐसी 6 दीक्षाएं संपन्न होनी हैं। उसी क्रम में आज हमारे बीच में पधारी हैं सौभाग्यवती रेखा सुभाष चंद जैन सुभाष नाम रोहिणी दिल्ली से और उनके सुपुत्रगण साथ में हैं। वे अपने पति से पूरे परिवार से आज्ञा लेकर के आई हैं कि हम पूज्य माता जी के श्री चरणों में समर्पित होकर छुल्लिका की दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो श्रीफल चढ़ा रही हैं देव 3 दे दो। तो सौभाग्यवती रेखा जैन जिन्होंने बहुत समय से वैराग्य भावनाएं भाई हैं अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन दिल्ली के द्वारा श्रीमती आशा जैन के साथ बराबर आती रही हैं पूज्य माता के पास खूब भक्ति करती हैं खूब विधान करती रही हैं। उनके तीव्र भाव हुए हैं जिससे उनके सुपुत्र मनीष जी और आशीष जी अपनी माँ को साथ में लेकर के आए हैं और पिता श्री सुभाष चंद जी की ओर से भी इन्हें पूरी तरह से आज्ञा प्राप्त हुई है। क्या है वैराग्य के सामने किसकी हिम्मत है कि जो आज्ञा ना दे अर्थात आज्ञा नहीं भी दें तो वैरागी के कदम पीछे नहीं बढ़ते। लेकिन इन्होंने हमें बताया है कि माताजी मेरी इच्छा और मेरी भावना को देखते हुए सबने मुझे आज्ञा प्रदान की है तभी ये कल से आई हैं और इनके भाव टटोले गए पूरे बच्चों से भी इनके बात की गई। हमारे मनीष जी आशीष भाई जो आए हैं तो
सभी लोगों ने अपनी माँ की इच्छा भावना देखते हुए, तीव्र वैराग्य देखते हुए आज्ञा प्रदान की है। आज पूज्य माता के चरणों में ये श्रीफल समर्पित करके निवेदन कर रही हैं। जरा एक माइक दे दो इन्हें, कॉर्डलेस माइक। ये श्रीफल समर्पित कर रही हैं कि पूज्य माता जी, हमें इसी तारीख में अर्थात 22 जुलाई को ही हमें आपके करकमलों से अयोध्या पावन तीर्थ पर क्षुल्लिका दीक्षा के व्रत प्राप्त हों, हमारा महान पुण्य है, हमें गौरव है। इस भावना के साथ श्रीफल समर्पित कर रही हैं। आप बोल करके श्रीफल चढ़ा दो। माता जी वंदामी, मेरी आपसे अनुनय विनय है कि आप हमारे माइक ऊपर करिए, चुल्लिका दीक्षा दे दीजिए। हमारे भाव तिर में और हमारे घर वालों ने सबने हमें आज्ञा दे दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरी माता जी मुझे चुल्लिका की दीक्षा देंगी और मैं इनकी आज्ञा के अनुसार बिल्कुल वही व्यवहार करूँगी जो मेरी माता जी चाहती है। ठीक है, श्रीफल समर्पित कीजिए। पिछी का मंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रविका थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम दीक्षा प्राप्ति की भावना से पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की श्री चरणों में महार्घ्यम श्रीफलम समर्पयामि स्वाहा। ठीक है, अब अभी पूज्य माता जी अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगी। पूछ रही हैं कि आपके पति की आज्ञा तो है ना, अब इनका कहना है कि मेरे पति की पूरी आज्ञा है और सब लोग दीक्षा के समय आकर के पूरी तरह से भाग लेंगे। इनके माता पिता यानी यजमान बनने का सौभाग्य भी श्री आशीष जी जैन, क्यों आशीष जी आप ही प्राप्त कर रहे हो ना माता पिता बनने का। हाँ, माता पिता लोग व्यवहार में कहते हैं, यजमान बनते हैं जो पूरी तरह से स्वीकृति प्रदान करके और अपनी माँ को दीक्षा दिलाने के लिए मंच पर रहेंगे। भगवान को चढ़ाओ। ओम रीम देवादिदेव अयोध्या में जन्मे 1008 भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में दीक्षा प्राप्ति की एवं उसके निर्विघ्न संपन्नता के लिए श्रीफल सहित महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। ये भी बहती गंगा में अपने हाथ धो लेना चाहती, स्नान करना चाहती हैं, अर्थात उसी दिन दीक्षा लेना चाहती हैं। और हम लोग लगभग 30 सालों से बराबर रेखा जी के कार्यकलापों को महिला संगठन के माध्यम से दिल्ली में देखते आए हैं। भक्तिमान शक्तिमान नारी हैं और इनके वैराग्य के भावों को देखकर मैं समझती हूँ कि महिला संगठन की और भी बहनें जरूर प्रेरणा प्राप्त करेंगी। हमारी मनोरमा जी जैन विकासपुरी दिल्ली से, जो अखिल भारतीय महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और भी तमाम बहनें हैं, इस दृश्य को जरूर देख रही होंगी। तो इस प्रकार से अपने जीवन के कुछ क्षणों में ऐसे वैराग्य के भाव होते हैं जिन्हें साकार किया जाता है गुरु चरणों में जा करके। तो एक अर्घ जो है छोटी माता जी को भी चढ़ा रही हैं, चढ़ाइए। ओम रीम प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में दीक्षा प्राप्ति की भावना हेतु अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। हम तो कल से इनकी खूब परीक्षा ले रहे थे कि किसी तरह से शायद अब ये डिग जाएं। इनके बच्चों ने भी कोशिश की लेकिन रेखा जी बिल्कुल दृढ़ हैं और वो कहती हैं कि अब मेरा मोह घर से भंग हुआ है, आपके श्री चरणों में रहना है। तो अब पूज्य माता जी अपने प्रवचन के माध्यम से रेखा जी को और उनके परिवार को मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगी। परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये दिल्ली राजधानी से हमारी सौभाग्यवती से रेखा जैन पुरानी परिचित भी है और
इनके हमें प्रसन्नता है कि इनके पति ने भी इन्हें स्वीकृति दे दी है और वो दीक्षा के टाइम उपस्थित ही रहेंगे, उपस्थित रहना ही होगा। बात यही है, बड़े पुण्य के क्षण होते हैं जब ये दीक्षा की भावनाएं होती हैं और परिवार के लोगों से स्वीकृति मिल जाना, ये भी बहुत बड़े पुण्य का योग है। मैंने देखा है कितने लोग परिवार के पूरा बंधन लगा देते हैं और रोक देते हैं, और ये इनका पुण्य है कि जो इनके पति ने भी आज्ञा दी है और बेटे ने भी स्वीकृति दे दी है, ये हमें गौरव है, प्रसन्नता है। और इनके ये छिलका दीक्षा के जो भाव हैं, ठीक है, छिलका दीक्षा भी सभी आरिकाओं की दीक्षा के साथ छिलका दीक्षा भी इनकी हो जाएगी। चलिए, पूरी स्वीकृति पूज्य माता ने प्रदान कर दी। हमारे संघ के अंदर केकड़ी राजस्थान से श्रीमती गीताबाई ने भी दीक्षा ली थी, ऐसे ही सौभाग्यवती महिला जो आज भक्तिमती माता जी हैं, इनके पति भागचंद जी अग्रवाल दिगंबर जैन परिवार से हैं, उन्होंने भी आज से 10 साल हो गए ना, 11 साल हो गए दीक्षा लेकर के खूब धर्म ध्यान कर रही हैं। और पूज्य माता जी ने जब सबसे पहले दीक्षा ली है तो इनकी शिष्या थी सौभाग्यवती, उनका क्या नाम था, सोनूबाई, मसवड़ महाराष्ट्र की, उनके पति ने भी इसी प्रकार से आज्ञा दे करके, और वे आरिका पद्मावती बनी थी जो पूज्य माता के श्री चरणों में अनेक वर्षों तक रह के खूब तपस्या करके उदाहरण प्रस्तुत किया। तो वैराग्य में कुमारी कन्याएं जो संघ में रहती उनका वैराग्य तो सहज में वृद्धिंगत होता ही है, लेकिन गृहस्थ में रह करके जो लोग पूरी गृहस्थी को भरे पूरे परिवार को छोड़ते हैं, मैं तो उनके वैराग्य की बहुत बहुत अनुमोदना करके प्रशंसा करती हूँ कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से निकट संसारी जानना चाहिए। तो ऐसी रेखा जैन को आज यहाँ पर परमिशन यानी स्वीकृति पूरी पूज्य माता जी से मिल चुकी है, यानी अब 6 से 7 दीक्षाएँ अयोध्या की धरती पर 22 जुलाई को श्रावण कृष्णा एकम के दिन प्रातः 6 बजे से ही होंगी। इसलिए दीक्षा देखने वाले अयोध्या में पहली बार ये दीक्षाएं हो रही हैं, तो आप सब 21 तारीख की सायंकाल में ही जरूर जरूर पधारें, सायंकाल तक दिन में भी आएं, क्योंकि सब बहनों की बिनोरी यात्रा, जुलूस, शोभा यात्रा, गोद भराई के कार्यक्रम 21 तारीख को ही होंगे और 20 तारीख को चातुर्मास की स्थापना पूज्यगणनी ज्ञानवती माता करेंगी। 12 जुलाई से यानी कि आषाढ़ सुदी छठ से भगवान महावीर के गर्भ कल्याणक दिवस से इंद्रध्वज मंडल विधान का आयोजन प्रारंभ होगा, जो श्रीमती शोभा शरद पहाड़े श्रीरामपुर महाराज जो प्रथम दीक्षार्थी हैं उनके परिवार के लोग और अन्य दीक्षार्थीगण भी उस विधान में भाग लेंगे। तो 12 तारीख से ही समझो कार्यक्रम शुभारंभ हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 आज हमें ईस्वी सन 1955 के क्षण याद आ गए कि जब मसवड़ से छिलका अवस्था में मैं कुमारी प्रभावती और सौभाग्यवती सोनूबाई दोनों को लेकर आई थी, एक को 10 प्रतिमा देकर के और जो सौभाग्यवती सोनूबाई थी उनको 6 प्रतिमा देकर लाई थी, और उनके पति के पति से पुत्रों से पुत्र वधुओं से सभी से आज्ञा प्राप्त करने के बाद ही वो आई थी मेरे साथ। और ऐसे ही उन्होंने जो है आचार्य श्री वीर साह जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करके और पहले छिलका दीक्षा ली थी, फिर आरिका बनी थी। और आज वो क्षण याद आ जाते हैं कि जो है अभी हमारे संघ में जो भक्तिमती माता जी हैं इनके पति ने भी इसी प्रकार से आज्ञा दी, पुत्रों ने, पुत्र वधु ने, बेटियों ने, सबने, दामाद ने, सबने आज्ञा दी और इनकी भी दीक्षा हस्तिनापुर में संपन्न हुई 10 वर्ष पूर्व। बात यही है कि ये पुण्य के योग से ही ऐसे परिवार होते हैं और ऐसे धर्मात्मा पति और पुत्रादिक जो अपने परिवार में इस प्रकार से जो है अपनी माँ को धर्म के कार्य में लगने के लिए, अपनी पत्नी को धर्म कार्य में लगने के लिए रोकते नहीं हैं बल्कि आज्ञा दे देते हैं।
ये उनका भी पुण्य है, पूर्व पुण्य है, और मैं समझती हूँ हमारे दिल्ली के इनके परिवार के लोगों का भी पुण्य का योग है। और चुलिका दीक्षा लेकर संग में रहते हुए अपने मानव जीवन को, अपने स्त्री पर्याय को सार्थक करें, और इसी प्रकार से जो है हमेशा दिल्ली में हमारे 11 चातुर्मा लगभग हुए हैं, हमेशा जुड़ी रही हैं, परिचय में रही हैं, और हमारी महिला संगठन के साथ बहुत काम भी किया है। बात यही है कि दीक्षा के भाव होना और घर छोड़कर परिवार के मोह को छोड़कर, ये तो मालूम है कि दीक्षा लेने के बाद फिर परिवार से कोई भी संबंध नहीं रहता है। सब वसुधैव कुटुम्बकम, सारा वसुधा ही, सारी पृथ्वी ही, सारे सभी लोग अपने कुटुंबी बन जाते हैं। बात यही है, अनादि परंपरा है, कुमारी कन्याओं ने दीक्षा लिया है, सौभाग्यवती महिलाओं ने दीक्षा लिया है, और पति के साथ भी लिया है। हमारे संघ में आचार्य श्री श्रीराम सार जी महाराज, उनकी माँ कुंदन बाई जी, जो आचार्य वीर सार जी महाराज की भतीजी थी, वो और उनके पुत्र फूलचंद जी और वो उनकी पत्नी, एक साथ तीनों ने आचार्य श्री शिवसार महाराज के करकमलों से दीक्षा ली थी। माँ और पत्नी आरिका बनी और पति फूलचंद जी मुनि बने, क्योंकि इस परंपरा के पंचम पटाचार्य श्रीरामसार जी महाराज। तो बात यही है, परंपरा चली आ रही है, गौरव है, प्रसन्नता है कि ऐसे परिवार बिरले ही होते हैं, और जो अपने मानव जीवन में परिवार का कुटुंब मोह छोड़कर, कुटुंब का परिवार मोह आदि सब छोड़कर दीक्षा लेकर, ये तो जानते हैं कि दीक्षा लेकर पूरे जीवन एक बार भोजन करना है। छिलक छिलकाओं के लिए तो पात्र भी रहता है, और आरिकाएँ मुनि आरिका करपात्र में ही आहार देते हैं, बाकी सब कुछ त्याग हो जाता है। ना परिवार का कोई मोह, ना कुटुंब का, और ना कोई गांव का, देश का, नगर का, बल्कि शरीर से भी मोह छोड़ना होता है। और जब भी केशव आदि क्रियाएँ होती हैं तो ये क्षण, वैराग्य के क्षण बड़े पुण्य के योग से, कई जन के पुण्य के योग से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे हमारी सुरेखा जी, सौभाग्यवती सुरेखा रेखा, सौभाग्यवती रेखा जी, ये निर्विघ्न इस प्रकार से अपने जो दीक्षा के भाव व्यक्त किए हैं, दीक्षा प्राप्त करके और संघ में रहते हुए, संघ के अनुशासन में रहते हुए अपने स्त्री पर्याय को सार्थक करेंगी, हमें पूर्ण इन पर विश्वास है। और इसके साथ अब हम आपको ले चले थोड़ा जम्बूद्वीप की ओर, भव्यात्माओं मंत्र का उच्चारण नहीं करना, मंत्र का उच्चारण, ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः, ओम ह्रीम श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः, ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, इस वसुधा में जहाँ हम और आप रह रहे हैं, ये जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र का आर्यखंड, इस मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र में सर्वप्रथम द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है, तो आप सब जानते ही हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी इस बात को कहा हुआ है।
और इस जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ हम और आप हैं उसमें गंगा सिंधु नदी आकृति मानी गई हैं, बीचों बीच में विजयार पर्वत है आदि। इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं जिन पर चक्रवर्ती एक छत्र शासन करते हैं और तीर्थंकर भगवान तो इस आर्यखंड में जन्म लेकर के, इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्म लेकर के और तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के स्वामी और सभी इंद्रों से पूज रहे हैं, सभी इंद्रों से अधोलोक के धर्मेंद्र आदि इंद्र, भवनवासी इंद्र, भवंतर देवों के इंद्र और सभी देव सौधर्म इंद्र आदि सभी भगवंतों के श्री चरणों में नमन करते रहे हैं, चक्रवर्ती आदि भी। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ पर आर्यिका दीक्षा को लेना, छिलका दीक्षा आदि लेना, दीक्षा लेने के भाव होना आदि, ये बहुत ही बड़े पुण्य का योग है। बात यही है, ये पवित्र भूमि वही है जहाँ भगवान सब देव जन्मे हैं, भव्यात्मा। इसमें जो विधेय क्षेत्र है उसमें मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बीच में दूसरे विषय आ जाने से थोड़ा व्यवधान पड़ा है। 32 विधेय जम्बूद्वीप में है, 32 विधेय है, 16 जो है सुमेरु के पूर्व की तरफ है, 16 पश्चिम की तरफ। इन विधेय क्षेत्रों के नाम भी मैंने आपको पूर्व विधेय के नाम बताए हैं, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कचकावती आदि इनके नाम हैं देशों के, और सभी में 6 खंड हैं, सभी में तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि होते रहते हैं। ऐसे ही पश्चिम में सुमेरु पर्वत के पश्चिम में भी 16 बक्षार पर्वतों में से 8 बक्षार पर्वत हैं, उनके नाम हैं, वो जो हैं श्रद्धावान, विचरावान, आशीवी, सुखावे। ये 4 बक्षार पर्वत पश्चिम विदेह में सीतोदा नदी के दक्षिण तट पर हैं और क्षारोदा, सीतोदा, स्रोतोवाहिनी 3 विभंगा नदियां हैं। एक बक्षार पर्वत एक विभंगा नदी, एक बक्षार पर्वत एक विभंगा नदी, ऐसे 7 और दोनों तरफ की वेदिकाएँ, ऐसे 9 अंतराल से 8 विधेय क्षेत्र हो गए हैं जिनके नाम हैं पद्मा, सुपद्मा, पद्मकावती और शंखा, नलिना, कुमुदा, शंखा, नलिनी, कुमुदा, सरित। ये 8 देश हैं विधेय क्षेत्र सीतोदा नदी के दक्षिण पर और सीतोदा नदी के उत्तर तट पर जो है 4 वक्षार पर्वत हैं, चंद्रमाल, सूर्यमाल, नागमाल और देवमाल, ये वक्षार पर्वत और गंभीर मालिनी, फेन मालिनी, उर्मालिनी 3 विभंगा नदियां हैं। ऐसे इसमें भी जो है 8 विधेय क्षेत्र हो गए हैं जिनके नाम हैं क्रमशः वपरा, सुवपरा, महावपरा, वपरकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिला, गंधमालिनी, ये 8 विधेय क्षेत्र हो गए हैं। इस प्रकार से 16 विधेय क्षेत्र सुमेरु के पूर्व में है, 16 पश्चिम में, ऐसे 32 विधेय क्षेत्र हैं जो यहाँ के भरत क्षेत्र से भी बड़े बड़े हैं, दूने हैं, क्योंकि क्षेत्र का विस्तार दूना दूना होता गया है और वहाँ पर भी 2 तीर्थंकर आज विद्यमान हैं, श्री बाहु स्वामी और श्री सुबाहु स्वामी, शिवंदर स्वामी, श्री शिवंदर स्वामी, श्री जुगवंदर स्वामी, ये सुमेरु के पूर्व के विधेय क्षेत्र में हैं और पश्चिम के विधेय क्षेत्र में हैं वर्तमान में विद्यमान समोसरण श्री बाहु स्वामी, श्री सुबाहु स्वामी के, ऐसा जैन आगम में वर्णित है। 20 तीर्थंकर जो विद्यमान हैं तो 4 तीर्थंकर तो इस जम्बूद्वीप के 32 विधेय में 4 तीर्थंकर हैं आज, और एक साथ अगर तीर्थंकर सभी हो जाएं तो कभी 32 भी हो सकते हैं, और ऐसा वर्णन आया है कि भगवान अजितनाथ के शासनकाल में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए हैं, 5 भरत के, 5 ऐरावत के और 160
विजय क्षेत्रों के ढाई जीव में, ढाई जीव के 170 कर्म भूमियों में 170 तीर्थंकर एक साथ होने का वर्णन कई शास्त्रों में आया है, गुरुओं के मुख से हमने सुना है। भव्यात्माओं, ये ढाई द्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, जैन भूगोल की रचना हसनापुर में संक्षेप में साकार हुई है और वहाँ पर दर्शन करके आप इन विदेह क्षेत्रों के भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ विराजमान तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण गंधकुटी के रूप में छोटे छोटे दिखाए गए हैं और जिनमें चार चार प्रतिमाएँ विराजमान हैं समोसरण के प्रतीक में। ऐसे 170 समोसरण की गंधकुटी ढाई द्वीप में 13 द्वीप की रचना में दिखाई गए हैं। भव्यात्माओं, जम्बू द्वीप में जो ये 32 विधेय क्षेत्र हैं, वे खुले मैदान में निर्मित जो जम्बू द्वीप रचना है, हसनापुर में जैन भूगोल की रचना में जम्बू द्वीप की रचना है, वहाँ ये 32 विधेय क्षेत्र दिखाए गए हैं और उनमें इन 32 विजय देशों में, विजय क्षेत्रों में जो विजयार्थ पर्वत हैं उन पर जिन मंदिर भी विराजमान हैं और वक्षार पर्वतों पर भी 16 जिन मंदिर हैं, खुले मैदान में हसनापुर में जम्मू द्वीप रचना में दिखाए गए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि जैन भूगोल को पढ़कर के स्वाध्याय करके हम और आप अपने ज्ञान को विकसित करें, वृद्धिगत करें। यह हमारा ज्ञान, आचार्यों ने कहा है, यह श्रुत ज्ञान सरस्वती की कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ श्रुत ज्ञान, इसके माध्यम से हम घर बैठे ही तीनों लोगों की यात्रा कर लेते हैं। अधोलोक में क्या रचना है, कहाँ नरक है, कहाँ निगोद है और कहाँ भवनवासी और बंतरदेवों के भवन हैं, उनके मंदिर हैं जिन मंदिर, और मध्यलोक में कहाँ तक जिन मंदिर हैं 13 द्वीप तक, उनके आकृति में जिन मंदिरों का वर्णन, और ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक 84,97,023 जिन मंदिर हैं, आकृति में जिन मंदिर, इन सबकी वंदना, सबका दर्शन हम और आप सरस्वती की कृपा प्रसाद से सद्ज्ञान के आलोक में आगम में वर्णित के आधार से त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से वर्णन कर लेते हैं। या कृत्रिम जिन मंदिर अनादि निधन, और वहाँ कृत्रिम जिन मंदिर तो बहुत होंगे ढाई द्वीप में। तो भव्यात्माओं, आज हमें अकृत्रिम मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका पुण्य है जो आज भी हमारे भारत में 10,000 से भी अधिक जैन मंदिर हैं, तीर्थ हैं, भगवंतों के 24 तीर्थंकरों के भगवंतों की 16 जन्मभूमियाँ, 700 जन्मभूमि अयोध्या, 700 तीर्थ सम्यक शिखर निर्वाण भूमि, और भी अनेक महापुरुषों की निर्वाण भूमि, तीर्थंकरों के कैलाश पर्वत, चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार, और भी निर्वाण क्षेत्र, मांगी तुंगी गजपंथा आदि। तो भव्यात्माओं, ये सब तीर्थ, तीर्थंकरों से पवित्र तीर्थ, पावन तीर्थ हमारी आत्मा को तीर्थ बनाने वाले हैं। ऐसे विदेह क्षेत्र के इन 4 तीर्थंकरों की वंदना करते हुए और 200 तीर्थंकरों की वंदना करते हुए, और जो पावन पर्व अभी नंदीश्वर पर्व आ रहा है, और उसके एक दिन पहले से नवनिधि व्रत, नवग्रह शांति व्रत भी शुरू हो जाएंगे, मैंने बताया है आपको, और इसके साथ अभी आषाढ़ शुक्ला छठ को भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक दिवस, पवित्र दिवस, पावन दिवस आ रहा है, और इसके साथ जो पावन तिथि श्रावण कृष्णा एकम वीर शासन जयंती पर्व, वो सब हमारे जीवन में मंगलमय हो, और इस प्रकार से जो जहाँ दीक्षार्थियों ने दीक्षाओं की जो भावना व्यक्त की है, उनकी दीक्षाएं भी सब निर्विघ्न सफल भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में संपन्न हो, स्वास्थ्य जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और जैन शासन अहिंसा परमोधर्म शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सबके लिए, बहुत बहुत।